जय महाकाल। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जैसा कि न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिखा हुआ है, अब पेंडुलम बॉब ऑफ मास कैपिटल एम रेज्ड टू ए हाइट एच एंड देन रिलीज्ड एट द बॉटम ऑफ इट्स स्विंग इट पिक्स अप अ मास स्मॉल एम टू व्हाट हाइट विल बी द कंबाइंड मास रेज्ड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। फ्रेंड्स, यू आप लोगों को पता होगा कि पेंडुलम बॉब होता क्या है। मैं सबसे पहले एक पेंडुलम बॉब बनाता हूं जिसकी एक लेंथ हम ले लेते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द मास इज एम, एंड इसका लेंथ कुछ भी है, हमको कोई इशू नहीं है। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इज रेज टू हाइट h, इसको हम लोग रेज करेंगे। जब भी रेज करेंगे तो ये निश्चित रूप से अपने इस पेरिफेरल पे मूव करेगा। जैसे ही हम इसको इस हाइट पर लेकर के आए, दैट इज कैपिटल m m, ओके, सो ये जो हाइट हम यहां से इस बॉटम लाइन से इसको रेज किए हैं, दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज h, मैंने इसको हाइट रेज किया। इनिशियल जब यहां पर था इस बॉटम लाइन पे, इसकी पोटेंशियल बॉटम लाइन के पोटेंशियल एनर्जी हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज जीरो। अभी जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम एच हाइट पर लेके जाएंगे और बिफोर रिलीजिंग इट, जब हम रिलीज इसको नहीं कर रहे हैं उस समय इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। क्या आप बता पाएंगे इस कंडीशन के इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बिल्कुल, दैट इज एम जी एच, सॉरी कैपिटल एम जी एच, एम कैपिटल एम जी एच। तो फ्रेंड्स, ये सारे अभी इसकी वेलोसिटी जीरो, तो जितना भी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है किस फॉर्म में स्टोर्ड है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। अभी इस पोटेंशियल एनर्जी को अब क्वेश्चन कह रहा है एंड देन रिलीज्ड, इसको जैसे ही रिलीज करेंगे तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा? हमको पता है जब ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच इसको रिलीज करेंगे और इस जीरो पोटेंशियल लाइन की लाइन पर आते आते ये सारे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हम लोगों को पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इस पोजिशन वन, इसका नाम पोजिशन वन एंड द पोजिशन नेम टू। सो जब ऑब्जेक्ट वन से टू जाएगा तो हम लोग लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोगों को पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हम लोग लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वन और टू पोजिशन में। जब मास को एम हाइट पर लेकर के गए थे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई थी, दैट इज कैपिटल एम जी एच, प्लस इस ऑब्जेक्ट को जब यहां पर लेकर के गए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, आई मीन वेलोसिटी इनिशियल इस तरह जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। जैसा कि मास को रिलीज करेंगे, मैंने फाइनल पॉइंट टू को एज्यूम किया है, तो ऑब्जेक्ट टू पर आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन को, इस बॉटम लाइन को मैंने जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना है तो ये जीरो हो जाएगी। बट नाउ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम यहां से रिलीज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट में कुछ वेलोसिटी होगा। जरा अस्यूम कीजिए बॉब को ऐसे रिलीज करेंगे, क्या यहाँ बॉटम लाइन पे जैसे ही आएगा क्या ये वेलोसिटी होगा? बिल्कुल होगा। तो उस वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। यस, नो डाउट एट ऑल। अब हम इन चीजों से सॉल्व करेंगे और हम लोग जानना चाहते हैं कि यहां जब ऑब्जेक्ट को रिलीज की इस जगह वेलोसिटी कितनी है। सो दैट शुड बी ये एम एम कैंसिल आउट, ये टू इधर आएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। यहां से हम लोगों को बॉटम स्पीड पार्टिकल का पता चल गया, दैट इज अंडर रूट टू जी एच। जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जब बॉटम पॉइंट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट टू जी एच। फ्रेंड्स, इसको हम लोग करते हैं नॉट डाउन और चीजों को आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। आप लोग क्लियरली देखें कि जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां आता है तो ऑब्जेक्ट में एक इनिशियल वेलोसिटी रहती है, दैट वेलोसिटी वी इज अंडर रूट
2GH. I hope you have understood. Friend, now read the question. क्या लिखा हुआ है? At the bottom of its swing. जब ये swing कर रहा होगा अपने bottom में, तो कह रहा है it picks up a small mass m. इसमें एक small mass छोटा जैसा जुड़ जाता है. After swing, मतलब यहाँ पर से swing करने के बाद. तो कह रहा है to what height will be the combined mass raised? अभी हमको पहले बताइए, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहा हूँ. एक बार हाइट को अच्छे रिलीज किया और जैसे इसको छोड़े तो ये स्विंग करना स्टार्ट किया. अगर इसमें कोई भी मासेस नहीं होती तो अगेन एच हाइट को इधर अचीव करता और फाइनली एच हाइट को, और ये कंटिन्यूसली पेंडुलम बॉब स्विंग कर रहा होता. बट ऐसा नहीं होगा अभी इस कंडीशन में, बिकॉज एक स्मॉल मास लटक रहा है. और आप खुद सोचिए कि ऑब्जेक्ट में एक नया मास जोड़ देंगे तो ये अपनी हाइट कहीं यहीं पर कंप्लीट कर लेगा. और इसका मास, हालांकि यहाँ पे अब m नहीं रहेगा, m प्लस m रहेगा. तो क्वेश्चन कह रहा है टू व्हाट हाइट विल बी द कंबाइंड मास रेज्ड. अब ये मास सिंपल पेंडुलम बॉब का नहीं है, ये कंबाइंड मास है. तो बोल रहा है ये कितने हाइट तक जाएगा, इसको हम लोग मान देते हैं x, एंड वी हैव टू फाइंड दिस वेरिएंस. फ्रेंड्स, इस पोजिशन को हम बोल देते हैं थर्ड. ठीक है, अभी हम लोग फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 2 और 3 में लगाएंगे. सो नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन बिटवीन 2 and 3 2 and 3rd पोजिशन. फ्रेंड, हमको पहले ये बताइए, क्या इसकी वेलोसिटी, यहां पर जो वेलोसिटी है m वेलोसिटी से आई थी, क्या वो सेम वेलोसिटी, अभी ये वेलोसिटी यहां पे क्या आया था अंडर रूट 2gh, क्या ये इसी वेलोसिटी से ट्रांसफर होगी? बिल्कुल नहीं होगी. इसका कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा ड्यू टू गेन ऑफ दिस. ठीक है, चूंकि नो फोर्स इज एक्टिंग, सो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले इस वेरी कंडीशन के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. सो हम लोग करेंगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एट पॉइंट 2. तो बताइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मास कितना होगा इनिशियल जब वो स्विंग करके आ ही रहा होगा, तो वो होगा मास कैपिटल, और ये वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी भी, और इक्वल टू आफ्टर, जैसे ये मास वो पिक करेगा, ये क्या हो जाएगा, एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी डैश. आई होप यू आर गेटिंग. ओके, सो यहां से हमको वी डैश की वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज वी डैश इक्वल टू एम, और ये वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी बिफोर पिकिंग द मास, सो अंडर रूट 2gh डिवाइडेड अपॉन एम प्लस एम. फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट जब इसको यहां पर mgh हाइट पर लेकर के जाएंगे, ये निश्चित रूप से पोटेंशियल एनर्जी mgh गेन करेगा, और जब रिलीज करेंगे पॉइंट 2 पर जब आएगा, इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होगी. बट जैसे ही ये स्मॉल मास m स्विंगिंग के बॉटम पे पिक करेगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी. ये तो आप समझ सकते होंगे कि ऑब्जेक्ट मूव करा, उस पर एक मास पकड़ गया, लटक गया, फोर्स लगा दिया ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लटकने के साथ ही, तो क्या वो वेलोसिटी कम नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा, एंड द न्यू वेलोसिटी इज दिस. अभी हम लोग इस वेलोसिटी को भी नोट डाउन करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 2 और 3 के बीच. तो हम लोग करते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट वी डैश वेलोसिटी इज, दैट इज एम अंडर रूट 2gh डिवाइडेड अपॉन एम प्लस एम स्मॉल एम. Friend, now we'll apply conservation of energy. Now, apply conservation of energy between 2 and 3. इस 2 और 3 में लगाएंगे. क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. अभी इस कंडीशन में इनिशियल कंडीशन इज 2 एंड फाइनल कंडीशन है 3. सो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी बताइए. अभी अभी मैंने बताया था दिस इज बॉटम लाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 0. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी 0. एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, कैन यू प्लीज टेल मी? सो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, लिखेंगे हाफ एम, लिखेंगे एम प्लस एम, बिकॉज नाउ ऑब्जेक्ट हैज
has combined mass, that is m plus m, and the velocity is this. क्योंकि yes, ये velocity जब swing करके आ रहा था तब की है, but जैसे ही mass pick किया velocity ये हो गई. We have to write this very velocity, that is m square under, I mean yes, v dash का square करेंगे ना जी. तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे m square 2gs divided upon this distance. I hope you are everything. So I'll write directly m square 2gh. फ्रेंड्स यहां पर है m square 2gh divided upon m plus m का होल स्क्वायर. दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, नाउ इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. फ्रेंड्स जैसे ही ऑब्जेक्ट स्विंग करके इस पोजीशन पे आएगा, इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, दैट इज जीरो, क्योंकि दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट आफ्टर दैट बॉडी वहां पे जीरो होगा, फिर वो बैक आएगा. तो यहां पर जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा तो ये सारे काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी एक्स. सो विल राइट एम प्लस एम बिकॉज कंबाइंड मास इट इज जी एक्स. And what should be kinetic energy? That should be zero. Why? Because potential velocity at this query point is zero. Now we'll solve the kahani and we'll get this x. And this x will be actually the height of the combined mass. Some log solve karte hain cheezon ko. Yahan se clearly dikh raha hai. M plus m should cancel out. I hope you have understood. 2 or 2 cancel out. I hope you have understood. G, G cancel out. So now we'll wipe out the board. And will write the answer. That is, यहाँ से आप लोगों को clearly दिख रहा है, इधर हम लोगों का क्या, इधर क्या बचा हुआ? That is m square h divided upon m plus m is equal to m plus small m into x. And we have to find this very x. So यहाँ से जैसे ही हम लोग x लेंगे, इसको इधर divide करेंगे and the सॉल्यूशन विल बी एम स्क्वायर एच अपॉन एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, बिकॉज दिस विल बी स्क्वायर. सो दिस विल बी द हाइट विच ऑब्जेक्ट विल गेन. ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. आपको हम एक चीज और एक इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग फीलिंग देना चाहते हैं, फील देना चाहते हैं, तो प्लीज राइट इट, मतलब वेट, लेट मी वाइप इट आउट. फ्रेंड जैसा कि हम बताए कि जब ये सिर्फ मास कैपिटल एम था तो एच हाइट पे इसको रेज किया गया, जैसे इसको रिलीज करेंगे तो ये एच हाइट से कम एक्स हाइट पे जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें एक नया मास जुड़ गया. इस चीजों को वेरीफाई करते हैं डेटा लेकर के. मान लेते हैं आई सपोज कैपिटल एम इज 2 kg, स्मॉल एम इज 1 kg, and the initial height h is raised by 1 meter. अभी जैसे ही हम लोग h height पे raise करेंगे तो हम लोग सारा verify करते हैं, हमको पता है ये x की value h 1 meter से कम आनी चाहिए, because new mass has been added, like combined mass has been added there. तो हम लोग इसमें देखते हैं और put करते हैं x की value क्या आती है. I dead sure ये 1 से कम आनी चाहिए. m square, that is 2 का square 4, h that is 1, m plus m यानी 3 का स्क्वायर. द आंसर इज 4/9 एंड जस्ट डिवाइड इट यू विल गेट 0.4. इसे क्या समझ में आ रहा है, ये x बहुत आधे से भी छोटा हो गया. सो इससे हम वेरीफाई कर पाए कि यस डिस्टेंस जो होगा वो हाइट जो ऊपर रेज करेगा वो कम करेगा, है ना. आई होप यू हैव सम अंडरस्टूड. जय महाकाल.